एसओ परीक्षा अनियमितता अभियोग मामला उपरे आज राय प्रकाश करिवे हाईकोर्ट। पूर्वाह्न 10:30 ए प्रतीक्षित मामलार राय प्रकाश पाइब। हाईकोर्ट को पूर्व राय को चैलेंज करी डिविजन बेंच रे दायर होइथला रिट अपील, जहां उपरे गत 8 तारीख और 9 तारीख में 2 दिन धरी हाईकोर्ट में शुणाणी चलता। 9 तारीख में राय संरक्षित रही, पूर्व प्रकाशित मेधा तालिका को हाईकोर्ट रद्द करते। 2 मास भितर सानी मेरिट लिस्ट प्रकाश करने को गत मे मस निर्देश देते हाईकोर्ट। तबे मेधा तालिकारु बाद पड़ा प्रार्थी माने हाईकोर्ट को रायर पुनर्विचार करने को एक रिट पिटीशन सहित रिव्यू पिटीशन दायर करते। उभय पिटीशन एकत्र शुणाणी करते हाईकोर्ट। निकटे 2टी जाक आवेदन को खारज करते हाईकोर्ट। यहापर आवेदनकारी माने डिविजन बेंच रे रिट आवेदन करते। 796 असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर नियुक्ति पाई ओपीएससी पक्षरु परीक्षा करा जायतला। तेबे ओपीएससी प्रकाश करितबा मेधा तालिका को गत मे मासरे हाईकोर्ट रद्द करितले। कटकरु आम सहित बाबदरे प्रतिनिधि देवी प्रसाद महांति जोड़ी होती आपण जानवाक चाहिए। एसओ परीक्षा जो अनियमितता अभियोग सामना को आसीतला, यहाँ आज राय प्रकाश पाइब 10:00 कि देखुं। प्रथमे आमे सूचना दबा कि 10:30 राय प्रकाश पाई पारे। अच्छा। कारण तालिकाभुक्त तो होइछि किंतु अनेक समय मध्य देखा जाए कि एभली गोटे आवश्यकता को नहीं हूँ तो विलंब हो पारे, तेणु आम एक कथा राय प्रकाश पाई पारे। एवं पूरा जदि प्रक्रिया को आम देखुछंती ये बेस गोटे आश्चर्यजनक भली स्थिति सृष्टि होता। कारण प्रथम जितेबाला कोर्ट राय दे मेधा तालिका को रद्द करते एवं ता सहित 60 दिन भितर सानी मेधा तालिका प्रकाश करने से ओपीएससी तरफ गोटे प्रकार स्पष्टीकरण रखा जाता कि से नुआ ढांचा को आपणई जमी अलग स्टेट रे रिक्रुटमेंट होई ढांचार से करेणु एणसी अनियमितता कौन समस्या ही नाला। किंतु आवेदनकारी माने कोर्ट आकर्षण करते जे वान्स नोटिफिकेशन हो सारे कर्तृपक्ष चाहिले कौन प्रकार नियम परिवर्तन आनी पारिबे नाही, जहाँ कोर्ट को कन्विन्स प्रथम निर्देश रे कोर्ट ओपीएससी द्वारा प्रकाशित मेधा तालिका को रद्द करते। परवर्ती समय रे पुणी 2-2 मामला हाईकोर्ट में दायर होता, ताहा खारज होता। ये हूँ तृतीय मामला एवं एकाधिक प्रार्थी हाईकोर्ट को द्वारस्थ होती, तेणु जो बर्तमान संख्याधिक पखापाखि 1000 भली प्रार्थी भाग्य हाईकोर्ट को राय उपर ही निर्भर करुच्ची। समस्त अपेक्षा मध्य रही आज कोर्ट्स कौन निर्देश रखुच्चे ये आम कौन पूर्वर गोटे थर मेधा तालिका बा मेरिट लिस्ट को रद्द कर सारी हाईकोर्ट। पुणी परवर्ती समय रे रिव्यू पिटीशन को मध्य कोर्ट खारज कर सारी आज जेहेतु डिविजन बेंच रे अच्छे मामलार राय प्रकाश पाइबार रही, तेणु कोर्ट कौन या उपर आभिमुख्य रखुछंती। ओपीएससी कर्तृपक्ष जो प्रकार पदक्षेप मान नहीं सठिक ना भूल ता राय प्रकाश पर जना पड़ब। किंतु जेहेतु ये गोटे एभली मामला जहाँ को नहीं राज्यर बहु प्रतिष्ठित आईनजीवी मान भिन्न भिन्न पक्षों तरफ बहुत बलिष्ठ जुक्ति रखिंट, तेणु अपेक्षा रज राय रे कोर्ट कौन उल्लेख करुछंती। yes, प्रत्येक रायर मध्य आम देखी था जो भिन्न भिन्न पक्ष माने जुक्ति रखि था कोर्ट उल्लेख कर आज अपेक्षा रहु संभावना अच्छी पाखापाखि 1000 प्रार्थी भाग्य निर्भर करुच्ची, तेणुक्री आज राय कौन रहा 10:30 परे कोर्ट कार्य आरंभ होगा ही प्रकृत चित्र सामना को आसिबो। धन्यवाद तमाम आलोचना देवी प्रसाद महांती कटकु आम सहित जोड़ी। नूतन जिला गठन उपरे हाईकोर्ट अंतरीण अंकुश, राज्य सरकार जिला पुनर्गठन करने को चाहिए प्रक्रिया आरंभ करें किंतु हाईकोर्ट बिना अनुमति से नहीं चूड़ा निष्पत्ति नहीं पारे ना हाईकोर्ट निर्देश स्पष्ट कर। कार्यकारी मुख्य विचारपति डॉक्टर जस्टिस विद्युत रंजन षडंगी एवं जस्टिस मुरहरी श्री रमणों को नहीं गठित खंडपीठ ए अंतरण निर्देश देते। रायरंगपुर जिला क्रियानुष्ठान कमिटी पक्ष दायर एक पिटीशन शुणाणी करी हाईकोर्ट एभली निर्देश देते। हाईकोर्ट पर एपरी निर्देश परे बरगड़ जिला अधीन पद्मपुर उपखंड को जिला मान्यता प्रसंग को झटका लगी।